गुड मॉर्निंग ओ स्टूडेंट्स, आज हम आपकी 10th क्लास में आपकी कृतिका बुक का चैप्टर नंबर 2 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जॉर्ज पंचम की नाक और जिसका लेखक है कमलेश्वर। बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एल्थाबेथ द्वितीय हिंदुस्तान घूमने के लिए आ रही थी, तो सब जगह उनके आने के ही चर्चे थे। अखबारों से लेकर न्यूज़, जो भी था टीवी में न्यूज़ का चैनल, वो बस यही दिखा रहा था कि रानी एल्थाबेथ घूमने आ रही है। तो उनकी पोशाक से लेकर उनके रहने का, उनके खाने पीने का, ठीक है, हर तरह का जो काम था वो सभी देख रहे थे। जगह जगह व्यक्ति तैनात कर दिए गए, उनकी आने की खुशी में, उनकी तैयारी में हर कोई लग गया था। तो इंग्लैंड की अखबारों से लेकर हिंदुस्तान की अखबारों तक यही कतार में खबरें आ रही थी कि रानी ने कैसा सूट पहना होगा, रानी ने कैसा, रानी को कैसे रंग पसंद है। तो एल्थाबेथ की जन्म पत्री से लेकर यहाँ तक कि उसके महल की नौकर बावर्ची, जो भी चीज़ उससे जुड़ी हुई थी, यहाँ तक कि उसका जो कुत्ता था उसकी भी तस्वीरें अखबारों में छप रही थी। चारों ओर बड़ा शोर शराबा था, इंग्लैंड में शंख बज रहा था और गूंज उसकी हिंदुस्तान में सुनाई दे रही थी। इन खबरों की सनसनी पूरे हिंदुस्तान में फैल रही थी, ठीक है। राजधानी में हल्का मचा हुआ था, पूरा तहलका मचा हुआ था, जोर शोर से लोग उसके स्वागत में लगे हुए थे, ठीक है। तो क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर सभी लोग लगे हुए थे, उनकी शान शौकत, उनके रहने की जगह, ठीक है। तो रानी दिल्ली आ रही थी, नई दिल्ली की तरफ देखा उन्होंने, तो वहाँ आए हमारे घर, ठीक है, खुदा की रहमत है। ये आपने सुना होगा कि वो आए हमारे घर, खुदा की रहमत है, कभी हूँ हम उनको और कभी हम अपने घर को देखते हैं। और देखते देखते ही नई दिल्ली की का कायापलट होने लगा। तो करिश्मा सबसे बड़ा ये था कि किसी ने भी ये नहीं कहा, किसी ने किसी को देखा और सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे में जो धूल जमी हुई थी सड़कों पर, जो कुछ था वो सब का सब शिंगारा जा चुका था। हर जगह तैयारियां हो रही थी, सब जगह सजावट हो रही थी। तो लेकिन एक बड़ी मुश्किल सामने आ गई कि जॉर्ज पंचम की नाक, नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ हो रहा था, ठीक है, तो सिर्फ जॉर्ज पंचम की जो नाक थी उस, वो सबसे बड़ी मुसीबत दिल्ली के लिए बन गई। यह नाक की एक लंबी दास्तान है, ठीक है। इस नाक के तहलके मचे हुए थे, आंदोलन भी हुए, ठीक है, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव भी पास किया, चंदा भी जमा किया, नेताओं ने भाषण भी दिए, बहसें भी हुई, ठीक है। तो जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए, और जो आंदोलन होते थे उसमें ज़्यादातर लोग खामोश ही रहते थे। तो जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात भी किए गए, मजाल है कोई उनकी नाक तक पहुँच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाके खड़ी हैं जिन पर लोगों के हाथ पहुंच जाते हैं, लेकिन जॉर्ज पंचम की जो नाक थी वो एक शाही नाक थी, ठीक है, वहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता था, ठीक है। उस ज़माने में यह हादसा हुआ, इंडिया गेट के सामने जॉर्ज पंचम की लाठ की नाक एकाएक गायब हो गई, ठीक है। तो अब जब रानी एल्थाबेथ आ रही थी तो जॉर्ज पंचम की नाक का सबके लिए ही एक वो मुश्किल बनी हुई थी कि जॉर्ज पंचम की नाक अगर कहाँ से लाई जाए। तो इसके लिए तरह तरह के मीटिंगें होने लगी, लोग इकट्ठे होने लगे, तो हर कोई ये सोच रहा था कि नाक कैसे लगाई जाए। यह तय हुआ कि एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया और उसे फौरन दिल्ली में हाजिर होने के लिए कहा। मूर्तिकार हो या कलाकार, वो पैसे से लाचार था। आते ही उसने उसका चेहरा देखा, अजीब परेशानी थी उसके चेहरे पर, ठीक है, उदास था। तो उसने कहा कि जॉर्ज पंचम की जो नाक है वो यहाँ नहीं है। तो उसे भेजा गया ढूंढने के लिए। उसने कहा पहले उस पत्थर को देखूंगा जिससे वो पूरी लाट बनी हुई है, उस पत्थर का मुआयना किया गया। तो वो ऐसा पत्थर ढूंढने के लिए लोग जगह जगह घूमने लगे कि वैसे ही उसी तरह का पत्थर लगे मिले और उसकी नाक, जॉर्ज पंचम की नाक मंगाई जाए। मूर्तिकार को फिर बुलाया गया, ठीक है, ये मसला किसी से भी हल नहीं हो रहा था, ठीक है। तो पत्थर ढूंढने की बहुत कोशिश की गई लेकिन वैसा पत्थर नहीं मिला।
और उसने एक छोटा सा फरमान जारी किया कि मूर्तिकार जो हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेश हैं या पत्थर है वहाँ पर उसका दौरा करवाया जाए। तो उसको वहाँ भेजा गया, लेकिन वहाँ भी उसे इस तरह का कोई पत्थर नहीं मिला। आकर उसने ये कहा कि ये पत्थर यहाँ का नहीं है, बाहर का है। तो जो अध्यक्ष थे उन्होंने उसे डांट लगाई कि सारा कुछ ही हमारे यहाँ बाहर का है, हमारे देश में कुछ भी नहीं है क्या। तो उसके बाद उसने ये कहा कि अगर हम जॉर्ज पंचम की नाक की जगह एक असली की नाक लगा दें तो क्या हर्ज है। नाक रखना, इसके ऊपर बहुत सारे मुहावरे भी बने हुए हैं, ठीक है। नाक को लेकर एक बहुत बड़ा की घटना घट गई सबके सामने, तो उसने बहुत सलाह दी कि ये चीज़ अखबारों में मत आए, कहीं भी किसी को पता ना चले, तो हम किसी जिंदा व्यक्ति की नाक इसके ऊपर लगा सकते हैं। जिस देश ने हमें इतने दिन गुलाम रखा, हमारी यहाँ की मानसिकता देखो कि हम उन्हीं लोगों के आने की तैयारी में अपने एक जिंदा आदमी की नाक काटकर उनकी लाट पर लगा रहे हैं। तो मूर्तिकार ने कहा ये खबर बाहर मत जाए। तो जो राजधानी थी, जो जहाँ तैयारियाँ हो रही थी, तो वहाँ पर जो अध्यक्ष थे या जो नेता लोग थे, उन्होंने कहा ठीक है, ये बात बाहर नहीं जाएगी। हम उन व्यक्ति के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो गए जो हमें इतने दिन, इतने सालों तक हमें गुलाम रखा, जिन्होंने हमारे देश को कहां से कहां पहुंचा दिया, जंजीरों में जकड़ा रखा। लेकिन जॉर्ज पंचम की नाक के लिए, जिंदा नाक को लगाने के लिए सभी ने हाँ कर दी। तो ये चीज़ अखबारों में, टीवी में सिर्फ इतना दिया गया कि नाक का समाधान हो चुका है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि वो नाक कहाँ से आएगी। सब अखबारों में छपा कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। जब लोगों को ये बात पता चली तो सब की सब अखबारें अपने आप ही बंद हो गई, सबके मुँह बंद हो गए। और हम सारे क्या सोचने लगे कि हम इतने ज़्यादा लाचार हैं उन लोगों के सामने, आज भी हम उनके सामने इतने लाचार हैं कि हम एक जिंदा व्यक्ति की नाक को लगा रहे हैं। तो सबको पता चल गया, ठीक है, किसी का कोई ताज़ा चित्र नहीं छपा। लेकिन उस दिन अखबारों में बात गौर करने की ये थी, उस दिन देश में कहीं भी कोई उद्घाटन की खबर नहीं आई, किसी ने कोई फीता नहीं काटा, कोई सभा नहीं हुई और कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ, ठीक है। किसी को कोई भी मान पत्र या किसी को कोई भी मान सम्मान नहीं दिया गया, किसी हवाई अड्डे पर या किसी स्वागत समारोह में कुछ भी नहीं हुआ था, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा, सब अखबारें खाली थी। पता ऐसा नहीं, ऐसा क्यों हुआ? नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, ठीक है, और वह भी बुद्ध के लिए। लेकिन लोगों ने ये सोचा कि हमारी मानसिकता देखो, हम अपनी जिंदा नाक को काट कर उसके ऊपर लगा रहे हैं। तो ये बेटा आपका लेसन था, इसके क्वेश्चन आंसर भेज रहे हैं, राइट प्लस लर्न दोनों ही करने हैं। धन्यवाद।